प्रिय विद्यार्थियों, मैं सौरभ्य मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वाला। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 12। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पाठ 11 मेरे सपनों का भारत समझा दिया है। आज मैं आपको इस पाठ का अभ्यास लघुत्री एवं दीर्घुत्री एवं भाषा अनुशीलन समझाने जा रही हूँ। आप समझिए, प्रश्न पहला मैं आपको समझा रही हूँ। बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में किस किस का योगदान था? बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया में संतों, अनेक धर्मों के संतों, कवियों, वैज्ञानिकों, गणितज्ञों, दार्शनिकों का योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से आचार्य प्रसिद्ध हुए? शिक्षा के पैनल में पाणिनी, पतंजलि, जीवन, अभिनवगुप्त एवं कौटिल्य जैसे आचार्य प्रसिद्ध हुए। प्रश्न तीसरा, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई गई? स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। भारत विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आएगा? गौरवशाली अतीत, वर्तमान के योगदान एवं भविष्य की रूपरेखा के लाभ को प्रति इस पदार्थ लाभ से पहचानना होगा। तभी हमारा भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। प्रश्न पांचवा, भारतीय सेना में कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइलें बनाई गई? भारतीय सेना में दो स्वदेशी मिसाइलें अग्नि और पृथ्वी शामिल की गई। अतीत में शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत उन्नत क्यों कहा गया है? भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे दो विश्वविद्यालय थे। उन विद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। दूर दूर यानी विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जैसे बेबीलोन, ग्रीस, सीरिया, चीन। यहाँ से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ आकर के विद्यार्थी खगोलविद, वाणिज्य, चिकित्सक और ऐसी शिक्षाएं प्राप्त कर, जैसे छुपा धन, धरती में जो धन छुपा है वह कैसे ऊपर आ सकता है, संगीत, दार्शनिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए आते थे। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत शुरू से ही अग्रणी रहा है। शून्य के आविष्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शून्य का आविष्कार हमारे भारत में ही हुआ है, जिस पर दोहरी प्रणाली आधारित है, जो आज कंप्यूटर उसी पर निर्भर है। अल्बर्ट का कहना है, यदि भारत में शून्य की खोज नहीं की होती तो हम गणना करने में सक्षम नहीं रहते। इसलिए इसका श्रेय हमें भारतीयों को ही देना चाहिए। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी अनुसंधान करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता यदि शून्य की खोज नहीं की होती तो। आर्यभट्ट की क्या दैन है? आर्यभट्ट ने किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया है और उसका दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध मान दिया है। भारत के आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए? भारत के आधारभूत ढांचे के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की गई। हरित क्रांति ने
भारत को खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बना दिया। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा भारत दूध उत्पादन में आगे रहा। आगे का प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व भी भारतीयों ने विश्व स्तरीय उपलब्धियां प्राप्त की थी। भारत की चतुर्दिक तरक्की का इतिहास अत्यंत पुराना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी भारत में भारत ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थी। यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक पहले से ही थे, जैसे होमी, जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और गणितज्ञ रामानुजम, कवि रविंद्रनाथ टैगोर और संत विवेकानंद जी, जिन्होंने नई नई उपलब्धियां प्राप्त की थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर की अच्छी साख क्यों है? भारतीय सॉफ्टवेयर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न प्रकार की नवीनताओं और परिवर्तनों के लिए युवा वैज्ञानिक एवं उद्यमियों का समूह लगातार काम कर रहा है। इसका श्रेय हमें भारतीय की युवा औद्योगिकों को देना चाहिए, क्योंकि उनके अथक परिश्रम के कारण ही हमारा यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार आगे बढ़ने में सफल हो रहा है और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आ गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की चार विशेषताएं बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति थी, दूर दूर तक ख्याति थी। यहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा विश्व इसमें 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक थे। 3 विशाल पुस्तकालय इस विश्वविद्यालय में थे। यहाँ बौद्ध दर्शन, इतिहास, वेद, पुराण, हिंदु विद्या, न्यायशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, धनुष विद्या, ज्योतिष में शिक्षण सेवाएं दी जाती थी। अब सही जोड़ी बनाइए। दशमलव पद्धति इसकी बनेगी आर्यभट्ट। दूसरा देखिए, गणितज्ञ रामानुजम, सूर्य सिद्धांत भास्कराचार्य, मिसाइल है पृथ्वी और अग्नि, सही क्रियाएं सुश्रुत। अब ये मैंने आपको सही जोड़ी समझा दी है। इसके बाद देखिए, समाज विक्रय करते हुए नाम विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय, विश्व के लिए विद्यालय, ऐसा भी लिख सकते हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन का शास्त्र, औषधि का विज्ञान, तंत्र और विद्या, ये द्वंद्व समास का है। आधार की शिला, ये सभी तत्पुरुष के हैं। तंत्र और विद्या, ये द्वंद्व समास का है। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। हम इसका श्रेय भारतीयों को देते हैं जिन्होंने हमें गणना करना सिखाया। गणना सिखाने का श्रेय हम भारतीयों को देते हैं, ये सरल वाक्य बन गया। गणना सिखाने का श्रेय हम भारतीयों को देते हैं। भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना और आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया, मिश्र वाक्य में बदलना है। जब भारत ने महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की, उन्हें आधारभूत ढांचे के निर्माण, उसने ही आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रेरित किया। बालक रो रो कर चुप हो गया, बालक रो रहा था और चुप हो गया। बाकी शुद्ध कीजिए, खिड़की खुलने से प्रकाश आता है। अब शुद्ध कैसे करेंगे, खिड़की से प्रकाश आता है। तुम तुम्हारे घर जाओ, ये अशुद्ध वाक्य है। तुम अपने घर जाओ, हमारे को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए।
आके सुनते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से वीडियो खोल करके देख सकते हैं। बेटा मैंने आपको पूरा लघु उत्तरी एवं दीर्घ उत्तरी एवं भाषा अनुशीलन समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा।